नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का विस्फोट हुआ है। शुक्रवार को राजधानी में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि 40 लोगों के सैंपल्स जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। इसमें से 10 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण मिला है। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 20 हो गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नए केस के मिलने के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा था कि अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस आते हैं तो उनसे निपटने के लिए तैयारी पूरी है। बता दें कि अब देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 97 केस हो गए हैं, जबकि दिल्ली में ये आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है। बीते दिन कोरोना के नए 85 केस सामने आए थे। इसमें करीब 40 लोगों के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। इसमें से नए केस सामने आए हैं। वहीं तमिलनाडु में कोरोना के 28 संदिग्ध केस सामने आए हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। गुरुवार को मिले संक्रमितों ने पिछले 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में डॉक्टर्स लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। देश विदेश में जिस तरह से ओमिक्रॉन के नए केस सामने आ रहे हैं, ये एक बड़े खतरे की घंटी की तरह है, क्योंकि यूके में एक दिन में जहां रिकॉर्ड 88,376 केस मिले हैं, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी संक्रमण की भयावहता को लेकर चेतावनी दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।